हर 16 मिनट में एक रेप होता है, हर 16 मिनट, हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है। बोल रहे डिजिटल इंडिया बनाएंगे, नया इंडिया बनाएंगे, ये नया भारत है क्या? जो अनाज दाले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, घी दूध हमारा है, तो किसान का है। अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसके पास सारी एजेंसियां, राय है ना, ये आई भी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आते कार्रवाई करे। अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो देशभक्त कौन बचा? 70% तो आतंकवादी हो गए। जो आया उसने पहले तो फ्री में दिया, बाद में क्या हुआ, मोनोपोली जमा ली, मार्केट का कब्जा किया ना, कैप्चर किया ना। साढ़े नाल हरियाणे के नौजवान ने जो दिल्ली के एक यूनीवर्सिटी के पढ़ाई करते हैं, असी गाजीपुर बॉर्डर से पहुँचे हैं। ये सानू डिटेल के दसणगे कि कानूनों के की कमियां ने, सरकार अपनिया जिहड़ियां खूबियां गिणा रही है, पर यह सानू दसणगे भी कमियां की ने। की नाम है वाला, नाम दसो। जयदीप। दिल्ली केड़ी यूनीवर्सिटी की पढ़ाई कर? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की है जी। क्या क्या कमी है, आपने डिटेल में पढ़े होंगे कानून, क्या क्या कमी है? पहला कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। बोला क्या है कि APMC से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। आप मुझे बताइए, 85% किसान ऐसे हैं इस देश के जिसके पास 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। ये सरकारी कागज बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है ये बात है। तो आप मुझे बताइए, जिसके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, वो हरियाणा पंजाब यूपी से अपने ट्रॉली भर के तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक, कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा? ये इंटरस्टेट बोल रहे हैं ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, उसके एक सेक्शन में लिखा क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को, अब कॉन्ट्रैक्ट में पहला लिखा जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अब यह खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी पानी सूखा आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है, नेचुरल चीज़ है ना, प्राकृतिक चीज़ है। मशीन तोड़ा ना कि मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट निकलाएगी, ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोल रहे सर पानी वाला जहाज उड़ता नहीं, तैरता है, वो बोल रहे ना भी उड़ेगा, उड़ रहा है फिर मर रहे हैं लोग। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें संशोधन किया, 1955 में नेहरू जी की सरकार ने पास किया था, और बोला क्या कि किसान होल्ड कर सकता है, जब उसका भाव बढ़ेगा मुनाफा कमा लेगा उसको बेच के। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है, उसके सिर पर छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए, फसल को होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? ये कौन सी रणनीति है? और इस ये कानून तो इतना खराब है क्योंकि पूरे देश लपेटे में आएगा, कंज्यूमर की जेब पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 20 रुपये में खरीद के आलू प्याज को 200-300-400 रुपये में बेचेंगे अपनी मर्जी से। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये ना सोचें किसान की बात है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, हर आदमी भी की जेब पर असर पड़ेगा, पूरे देशवासी जो भी अन्न खाता है सब्जी खाता है तो उसकी जेब पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो और पहले दो कानूनों के बारे में क्या बोला गया कि कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके बारे में, उसके बाद एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी होगी जो सरकार के अंडर होगी, मतलब SDM के अंडर होगा, जो उसका चेयरमैन होगा। तो SDM किसका होता है? सरकार का होता है, समझ रहे हो ना, सरकार का आदमी हो तो किसे ले लेता, सरकार की मानेगा, हमारी क्यों मानेगा? दूसरी बात, अगर वहाँ भी फैसला नहीं हुआ तो फिर SDM के पास जाएगा, 30 दिन में वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर ADC के पास जाएगा। तो सारे सरकार के आदमी है, किसान के आदमी थोड़ा, किसान की क्यों सुनेंगे? फिर सरकार ने क्या बोला अभी गान भवन में कि हम सिविल कोर्ट का मामला दे देंगे, इसको मामला बना देंगे। आप मुझे बताइए, कोर्टों में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, 3.5 करोड़, वहाँ कितने दिन में फैसला आएगा, ये कौन सी रेशनलिटी है? और दूसरी बात, एक तरफ तो किसान होगा जिसके पेट में रोटी नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास, एक तरफ कंपनी होगी हाईली इंटेलेक्चुअल्स के पास, वकील होंगे काफ़ी असला बारूद में, पैसे होंगे उनके पास, अपने आप ही फैसला हो गया, फैसला क्या होना था? तो यही तो गेम है। देखिए बोल कह रहे हैं कि APMC मार्केट में खामियाँ हैं, आप मुझे बताइए, अगर किसी रिश्ते में दरार, आप रिश्ते को मिटे हो गया, दरार को मिटाओगे ना, तो ये क्या बोल रहे हैं कि APMC को खत्म करो। इकोनॉमिक सर्वे आया था 2018 का, उसमें बोला 2019 का सॉरी उसमें बोला था कि एक चैप्टर था अंडरमाइनिंग मार्केट वेयर गवर्नमेंट हैंड हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स, उसमें लिखा कि PDS और MSP सरकार के लिए बोझ हैं, और फायदेमंद क्या है, फायदेमंद क्या है कि जो पूंजीपति हैं, जो कारखाने लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, वो कितने हैं, केवल 1000-2000, देश की 70% पॉपुलेशन देश के लिए बोझ है, ये MSP को खत्म करना चाह रहे हैं। तभी तो APMC से बात बोल, जमीन ये किसी ने बोला कि जमीन कैसे बिकेगी, उसके कानून में लिखा नहीं। आप मुझे बताइए, जियो आया उसने पहले तो फ्री में दिया, बाद में क्या हुआ, मोनोपोली जमा ली, मार्केट का कब्जा किया ना, कैप्चर किया ना, आज उसकी मोनोपोली ऐसे ही ये करेंगे। पहले क्या करेंगे, अगर MSP 2000 रुपये गेहूँ का तो ये 2200 देंगे कंपनियों वाले बाहर वाले, और मार्केट में 2000 रुपये होगा MSP का, तो अपने आप 2-3 साल में डिफंक्ट हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी मंडियाँ, तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी, अपने आप ही होगा कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप जमीन बेचेंगे खरीदेंगे। और उसी कानून में लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना कंपनी वाला, वही बीज देगा, वही खाद देगा, अपनी मर्जी से कुछ भी देगा। और एक वो है जेनेटिक मॉडिफाई
फसलें बोलते हैं, वो बोलते हैं बीज बोलते हैं उनको, जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, वो भी कंसेप्ट लेके आएंगे, वो कंप्यूटर पे बैठ के अपने घर बैठ के उसको टेम्पर करेंगे, यूज करेंगे, समझ रहे हो ना, हर तरीके से बेचा जाएगा किसान को। आप मुझे बताइए, बोल रहे हैं कि किसान को फायदा होगा, आप मुझे बताइए 2015 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई थी, उसमें था इंडिया 131वें नंबर पे, आज 2020 में 63वें नंबर पे आ गया है, बिजनेस को बढ़ावा रहा क्यों, और कोई भी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देखो, इंडिया 150 पार है, समझो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94th पोजीशन पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पूछे, भूखे मरते हैं आतंकवादी देश, उनसे पीछे ये कहना है भारत, हर 16 मिनट में एक रेप होता है, हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है, बोल रहे डिजिटल इंडिया बनाएंगे, नया इंडिया बनाएंगे, ये नया भारत है क्या? एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 1995 से 2015 तक 3,00,000 किसानों ने सुसाइड किया है, ये है नया भारत। देखिए अब ये किसान सुसाइड कर रहे हैं एमएसपी होने के बावजूद, अब चाहिए क्या था, क्योंकि एमएसपी है तब भी सुसाइड कर रहे हैं, एमएसपी से ऊपर सोचना चाहिए था, क्योंकि लोग मर रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं, अभी एमएसपी को खत्म कर जमीने में बेच रहे हैं, ये तो गेम है। लॉकडाउन हुआ तो 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, कोई रास्ता में पिटका कोई घर जाके, अब क्या होगा अगली बार कोई पेंडेमिक आएगी लॉकडाउन लगेगा तो 80 करोड़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी तो माइग्रेंट लेबर बनने जा रहे हैं, जमीने बिकेंगी इनकी। पर खेतीबाड़ी मंत्री साहब कहते हैं भी 11 मीटिंगों के बाद पुछते हैं जथेबंदियों किसानों भी काला की है कानून में, काला क्या है, फिर सफेद बता दो क्या है, काला नहीं तो सफेद बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दो हमें, आपको कौन सा चूर्ण खाते हो, कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हो, उसको हमें भी दे दो, हम भी देख लें, मैंने बताया ना आपको बारीकियों से, ये सेक्शन आराम आराम से बताएं, बाकी टेक्नोलॉजी लंबा भी चल सकता है, लेकिन ये बेचने की साजिश है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1615 ईस्वी में, थॉमस रो था जहांगीर के दरबार में पैगाम लेके आया था, क्या बोला था कि बाहर की कंपनी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा, फिर कैसे ग्रोथ हुई सबको पता, 250 साल तक लूटा देश को, सोने की चिड़िया होता था, लुटा के नहीं लुटा, कंगाल बना के गए थे। अब 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया के अंदर, चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर, वो इंडिगो की खेती के खिलाफ था, इंडिगो की नील की खेती क्या होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, जबरदस्ती करवाई जाती थी, लोगों के पास रोटी नहीं थी लेकिन पैदा नहीं किया जा रहा था, करने दिया जा रहा था अनाज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में फंसे थे, मुश्किल से जब छुटकारा मिला था, अब वही गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये तो गेम है। एक और बात है, आतंकवादी बोल रहे हैं ऊपर से, अब देख रहे हो ना बैरिकेडिंग, 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है, तार लगाए हैं, कंक्रीट की बैरिकेडिंग, किले लगाई हैं, अगर यही सामान यही चाइना के बॉर्डर पे होता था हमारे देश के अंदर घुस के गांव नहीं बसाता, अगर यही असला बारूद अगर पाकिस्तानी बॉर्डर पर होता आतंकवादी घटना नहीं होती, ये क्या कहना चाह रहा था, कभी आप खेत में गए हो, वहाँ पे मेड होती, मेड के चारों तरफ तार लगाए जाते हैं, अब क्या क्यों लगाया जाता है कि आवारा पशु ना है, ये तार लगा के यही साबित करना चाह रहे हैं कि आवारा पशु है। मंत्री साहब तो और कहते हैं भी एक सूबे का आंदोलन है, एक राज का आंदोलन है, जे अफवाहों पे खड़ा है, नहीं एक तो आप घूम रहे हो 2 महीने 2.5 महीने से देख रहे हो, स्विंग बॉर्डर पे देखो यहाँ भी पूरा इंडिया यहाँ पे है, हर स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट से आदमी आया है। दूसरी बात, अगर कोई फिर भी शक है तो एक बार रेल चला दो दिल्ली को भर देंगे ठाडा, है ना, रेल नहीं चला रहे ना, गरीब आदमी बता रहा हूँ सुसाइड करा, पैसे नहीं उसके पास, किराए के पैसे नहीं है, कैसे आएगा, बस में इतने पैसे लगते हैं, रेल गरीब की थी, कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना आया कैसे इस देश में, आप बताओ, जहाज के थ्रू आया, पैसे वाले लेके आए, बाहर से आया ना, और भुगत कौन रहा है, गरीब, रेल बंद की, जहाज तो चल रहा, सबसे पहले जहाज चला था इन्होंने, और उसी से खतरा था, यही तो है, गरीब को हर तरीके से लपेट रहा, लाइन लगा रहा इन्होंने, गांव गरीब मजदूर पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सबको लाइन लगा रहा, बोल लगे लड़का हवाई बातें कर रहा है। 2018 में भीमा कोरे गांव केस हुआ था, उसमें जो देश के दलित है ना, जो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, सुधा भारद्वाज, आनंद तेंतुलुमड़े, उसने दर्जनों बुक्स लिखी है, विदेशों में पढ़ा के हैं, वो जेल के अंदर डाल रखे हैं विदाउट ट्रायल, अब अगर वो डिसीजन आएगा तो बरी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, विदाउट ट्रायल है। 2018 में भीमा कोरे गांव, 19 में CNRC मुस्लिम, 20 में किसान, ये लाइन लगा रखी, तीन साल और बचे हैं, यही तो गेम है। बीजेपी के लीडर तक कह रहे हैं भी किसान गुमराह हो रहे हैं, जान पढ़ने किसान अनपढ़ कह जाता, मैंने बताया ना किसान है ना, किसान हल भी चलाता और कलम भी चलाता है, किसान की फसल है ये, किसान का लड़का हूँ मैं, आके कोई भी नुमाइंदा बात करे कि एक सेक्शन पर बात करने के तैयार हूँ, बोल लेना, देखिए आतंकवादी बोल रहे हैं, यही तो गेम है, डिवाइड एंड रूल करो, अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो, हमारा उगाया खा रहे हो ना, जो अनाज डाले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, घी दूध है, हमारा तो किसान का है, अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, उसके पास सारी एजेंसियां रहा है ना, ये IB है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आते कार्रवाई करे, अगर हम आतंकवादी तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो देश कौन बचा, 70% से हुआ था आतंकवादी हो गए, अगर हम आतंकवादी हैं, अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार बार बार क्यों बोली किसानों को भला होगा, आतंकवादी को भला क्यों करे हो आप,
समझ रहे हैं तो मैं डिवाइडर रूल कहूँगा नहीं, जो नहीं किया था ये भी ये कर रहे हैं। मैं डिवाइडर रूल पर कुछ बोल दूँ क्योंकि मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू मुसलमान की राजनीति यही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे बहतीदारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, बेजन जमी पानी है, मुला भी पिए पंडित भी पिए पानी का मतलब क्या होगा। उन फिर का प्रस्तों से पूछो कैसा सूरज अलग बनाओगे, एक ही हमेशा सब की क्या हो ही नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बटवारा, नस्लों का जो करे बटवारा, रैपर काम का डोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी दिया, राम ने मस्जिद तोड़ी दी, यही तो गेम है। एक और जो विदेश के कलाकार बोल रहे ने ट्वीट करके, चाहे रिहाना हो चाहे एक दो होर ने, उन्होंने पुतले फूक रही है बीजेपी भक्त, बीजेपी के जो मोदी भक्त ने पुतले फूक रहे हैं, यही तो शर्म की बात है। जो सात समुद्र पार लोग रहते उनको तो कंसर्न है हमारा, उनको पता ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा, फार्मर मर रहा है, किसान मर रहा है, सड़क पे ठंडी ठंडी में बैठा ना, कड़कती ठंड में 2.5 महीने होगी 3 महीने होगी मर रहे हैं हर तरीके से, उनको तो पता है सात समुद्र पर। हमारे जो ये है ना सो कॉल्ड सेलिब्रिटी गोबर पात्र गोबर है यार, क्या बात करेंगे बारे में, और बोल क्या रहे हैं कि इंटरनल मामला है। अगर आपका इंटरनल मामला तो आप बोले 2.5 महीने 3 महीने का बोले, आप तो देश में थे, इंटरनल मामला था आपका, बोले आप अब क्यों बोल रहे हो। दूसरी बात, अगर इंडिया अगर ये इंटरनल मामला है तो जब मोदी साहब ह्यूस्टन में जाके अब की बार ट्रंप सरकार बोलते हैं वो इंटरनल मामला नहीं है, 100 करोड़ में नमस्ते लेते हैं अहमदाबाद में लिए थे ना नोटा स्टेडियम में, तब इंटरनल मामला नहीं था। यही तो गेम है, ये देश को बांटने की साजिश की जा रही है और क्या हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं। आप मुझे बताइए आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, हमारा पर्सनल मामला है, सरकारें मंदिर बनवाएगी इस देश में, पहले मंदिर बनाए सरकारें बनवाएगा। सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, देश का कोई रिलीजन नहीं है, संविधान में बात की गई है, ये तेल निकालने पर उतरे हुए हैं। NRCCA के थ्रू क्या बोला है कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी, तो ये हर चीज़ का लाइन लगा रखी, लूटने वाले हैं ये, यही तो गेम है। देखिए राहत इंदौरी जी ने कहा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा कि चोर उचक्कों की करो कदर, पता नहीं कब कौन कौन सी सरकार में आ जाएगा, ये चोर उचक्के हैं। सवाल और पूछना, RSS दे एक लीडर बागी हुए ने बीजेपी, तो उन्होंने भी तोमर के तंज कसया, भी उन्होंने कहा भी सत्ता का नशा चढ़ाया नरेंद्र तोमर न, रघु नंदन शर्मा ने RSS दे लीडर ने, मेन लीडर ने, सांसद भी रहे ने यूपी बिहार के, यही तो है। जो आदमी डिसेंट का यूज करेगा उसको बोल देंगे तो आतंकवादी है, खालिस्तानी, एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, यही तो गेम हो रहा है। कोई यूनिवर्सिटी में आवाज उठा तो उसको बोलेंगे एंटी नेशनल है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। कोई दलित आवाज उठाएगा उसको बोलेंगे ये तो माओवादी है। भीमाकोरे में गाँव में यही हुआ ना, कोई किसान आवाज उठाएगा बोले खालिस्तानी आतंकवादी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, यही तो गेम है ना। डिवाइडर रूल कर दो, इस देश की 43% इस देश की पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR की रिपोर्ट बताती है। कुलदीप सेंगा रेपिस्ट, चिमानंद स्वामी रेपिस्ट, हमें आतंकवादी बोल देना। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसका 2008 में मालेगांव पर लास्ट केस हुआ था, उसकी मैंने क्यों आतंकवाद के चार्ज हैं, वो गुड़ से जिंदाबाद के नारे लगाती है, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, आतंकवादी वो है, यही तो गेम है जी। स्वामी राम ने कह रहे हैं भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं जेडे विदेश के लोग ने, असी देश की एकता टुटन नहीं दवांगे भारत के लोग, कौन बोल रहे हैं स्वामी, अरे सलवारी बाबा घंटा हमारी क्या आवाज उठेगा, वो बिजनेसमैन है वो, देख रहे हो उसी का विकास हुआ देश में, आप उठा के देख लो पिछले 6-7 साल का इतिहास, उसने हेल्प किया ना सरकार बनवाने में और क्या किया है, और वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगा, हमारी क्या बात करेगा, अपनी बात कर ले तू, अपनी पहले चड्डी संभाल ले, हमारी बाद में बात करिए। देखिए भगत सिंह को मैं खत्म करना चाहूंगा, मैं अपनी बात को, भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हर किसी बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, अगर सरकार को सर काटना है ना तो काट ले, हम हटने वाले नहीं ऐसे। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इसके बुला का इसको जिसमें भगत सिंह याद ना हो, भगत सिंह याद ना हो बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा, जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये जुबान ये आवाज हमारी धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानिए, गूंगे बैरे हो इंकलाब 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 इंकलाब। जय हिंद जय भारत। क्या कहना चाहते हो आप, आपको भी पुलिस ने उठाने की कोशिश की पर वापस मुड़ना पड़ा खाली हाथ? फोर्स का मैं जवाब बाद में देता हूं, लेकिन तीन काले कानून पर बोलता हूं मैं, जो नरेंद्र तोमर जी का बयान भी आया है कल। देखिए इसमें तीन पहलू पे बात करूंगा, तीनों कानून के जो क्लियर दिखा रहे हैं कि ऐसा प्रूफ है, वो एविडेंस है कि क्लियर तरीके से शोषण करने को तैयार हैं। पहला कानून है ओपन मार्केट सिस्टम, APMC मंडी व्यवस्था के बाहर कोई व्यापारी बाहर है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसे आए गांव से माल इकट्ठा करे इधर से उधर और कहीं चले जाए देश में, उसे कौन ढूंढेगा कोई पता नहीं, अकेला अकेला किसान उसके पीछे नहीं भाई, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा सरकार के पास, पहले कानून में जो गलती है। दूसरा, गलतियाँ तो बहुत हैं लेकिन अहम दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता आपकी बात को, प्रशासन में उलझा के रह जाए किसान, जो है अकेला अकेला न्यायपालिका से भी हाथ
जो हमें भरोसा था उससे भी हमारे हाथ काट दिए जा रहे हैं कि आप न्यायपालिका भी नहीं जा सकते अपनी हक के लिए। और तीसरा जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, भाई आवश्यकता वस्तु अधिनियम बनाया था ये कि जो आवश्यकता वस्तु अधिनियम है इसके तहत जो वस्तु आएंगी उनका कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता, ये देश की अहम जरूरत है। तो अन्न से बड़ी क्या कौन सी जरूरत है देश में, अन्न सबसे बड़ी अहम जरूरत है, इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बाहर निकाल दिया, स्टॉक लिमिट बढ़ा दी। और कोई भी जानता है कि स्टॉक लिमिट एक माल है, बाजार में सारी दुकान एक ही केले वाले के पास आ जाएंगी तो केले की कीमत वो खुद तय करेगा, कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा उसमें। तो किसान से वो भी हक चीज है, किसान तो अपना सही कीमत है, किसान कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहा, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं MRP लिखा रहता है इस पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कंपनी दावा करती है, किसान कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें डिफरेंस देखिए, मैक्सिमम मिनिमम, हमें बस मिनिमम दे दो, हमारा घर चलता रहे, हम मूलभूत सुविधाओं का भोग करते रहें अपने अन्न के बेचने के बाद। और नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं इतना बड़ा जन आंदोलन देखने के बाद भी इसमें काला क्या है, आपके सामने गांव की बात है, काली भैंस खड़ी कर दी है, अब हम क्या बताएं उसमें काला क्या है, वो सब कुछ काला है। और एक काला ही नहीं है, ब्लैक होल, ब्लैक होल समझते ही हो गए आप, विज्ञान की भाषा में सारे पिंडों को खा जाता है। तो ऐसे ही तो किसानों को खा जाएगा ये, ऐसी जो उपभोक्ता है इतनी कीमत बढ़ जाएंगी उन्हें खा जाएगा, तो काला नहीं है ये ब्लैक होल। पर मंत्री साहब तो कहते भी एक राज का आंदोलन है, किसका आंदोलन है, एक सूबे का, किसी एक सूबे का ना नहीं है, कल ही आपने चक्का जाम हुआ है, पूरे देश से तस्वीरें आई हैं, इनके अकल में आ रही है सोच रहे हैं कि पूरे किसान बॉर्डर पे आ जाएं, पूरे किसान कैसे आ जाएंगे बॉर्डर पे, आप उनकी जरूरत वहीं मांगिए लोकल लेवल पे, हर किसान चक्का जाम लगाने को तैयार है। आप पूरे देश में देखिए, यूपी उत्तराखंड में सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि कुछ उपद्रव तत्व जो है कुछ सामने आए थे नेताओं के सामने कि किसान को दोबारा अपमानित किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने यहाँ प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। किसान हर जगह समर्थन देने को तैयार है लोकल लेवल पर। और जैसे भाई ने कहा ट्रेन चल जाए ना तो दिल्ली पर समाए ना पब्लिक, अगर इन्हें पब्लिक ही देखनी है 26 जनवरी पे, अगर 26 जनवरी का भी षड्यंत्र रहा आपके सामने है, मैं ट्रैक्टर रैली में मौजूद था, किसी ट्रैक्टर पर किसान यूनियन का झंडा होना, नाना साहब का होना हो, तिरंगा सब पे था, चार चार तिरंगे थे, तो जो पूरी कड़ी से कड़ी जो जुड़ी है, पुलिस वाले निहत्ते बैठे हैं वहाँ, किसान जा रहे हैं कुछ तबके के जो किसान मोर्चे के हैं भी नहीं, जो स्टेज पर पहले ही हंगामा करके आए, तो एक कड़ी के आप पूरी कड़ी से कड़ी मिला है, तो आपके सामने तस्वीर सामने है पूरी कि कौन किसने अपमान किया तिरंगे का। लास्ट जो फोर्स हो रहे आई सी, किस तरह के हालात से, किस तरह खाली हाथ उन्होंने मुड़ना पाया किसानों के जोश दे अगे? देखिए इनका जो सरकार में बैठी है इनके एजेंडे हैं, सबसे पहले चलाते हैं मीडिया में प्रोपोगंडा, जो आम लोग बैठे हैं उनके सेंटीमेंट को चेंज कर दें, सबसे पहले इनकी उनका सेंटीमेंट इनके विरुद्ध बना दें, जो भी आंदोलनकारी है, कोई भी आंदोलन हुआ हो बन गया, उसके बाद चलाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आम पब्लिक बना के, वो होते हैं बीजेपी के गुंडे, हाय हाय फलाना ढिकना किसान आंदोलन, उसके पीछे चलाते हैं पुलिस फोर्स को, जो आम लोगों को भी लगे कि भैया जो है पुलिस प्रशासन सही कर रहा है, क्योंकि आम लोगों मीडिया आपको पता ही है कितना गोदी मीडिया है, कितनी शर्म की बात है, मीडिया कहना ही अपमानित है, ये सम्मान ही देना चाहिए इसे, तो ये तो दलाल है, मीडिया वाले नहीं है ये। तो पहले ये तीन चार स्टेप है किसी भी आंदोलन को तोड़ने के, लेकिन ये षड्यंत्र जो है लालच की लड़ाई नहीं है, ये हक और सत्य की लड़ाई है, और ना आज तक कोई इतिहास में दबा पाया, ना दबा पा रहा, ना दबा पाएगा, ये ऐसे ही चलती रहेगी। यूपी के किसान से जिहड़े गाजीपुर के बॉर्डर से डटे हुए ने, बेशक दिल्ली पुलिस वालों या होर फोर्स वालों उन्होंने उत्थों उठाने का यतन किया, पर उन्होंने भी इन्हों के जोश अगे जरा खाली हाथ जरा वापस मुड़ना पे। लगातार तुम ग्लोबल पंजाब TV जुड़े रहो, तू गाजीपुर बॉर्डर तो हर जानकारी तेजे साझी करा, किस तरह किसानी अंदोलन चल रहा गाजीपुर बॉर्डर से, लगातार ग्लोबल पंजाब TV जुड़े रहो। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह पौड़े, ग्लोबल पंजाब TV गाजीपुर बॉर्डर। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब TV नू, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच, रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।